हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो ये देखिए, हमारे पास ये फ़ैन है, ये जाम चल रहा था। इसको कैसे सही करना है चलिए मैं बताता हूँ। इसमें हमको क्या करना है, ऑयलिंग करना है और ये सही हो जाएगा। और आपको ये ध्यान रहे कि ये जाम चले आपने पंखा लगाया है, अगर नहीं चल रहा है तो उसमें आपको ये बटन ऑन नहीं रखी, नहीं तो चलेगा नहीं। इतने पर ही रुका रहेगा तो ये ख़राब भी हो सकता है, जल सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपना पंखा जो है सिंपली ऊपर से खोल लेना है। बाद में पंखुड़ी भी आपको निकाल लेनी, नहीं तो बनेगा नहीं। तो अब जैसे ही पंखुड़ी निकालेंगे तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पेच लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे फ़ैन में पेच लगा हुआ है, ये जो कि ये चार पंख का है। तो हम लोग ये पेच को सिंपली कुछ इस तरीके से, तीन पेच लगे होंगे, इसको खोल लेंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करिए। इसको हम लोग अंदर से नीचे यहाँ से खोल के इसमें ऑयलिंग करेंगे। तो मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें ऑयलिंग कैसे करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले सिंपली जल्दी से इसको खोल लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए सारे पेच निकल चुके हैं। आप अपने कंडेंसर को निकाल भी सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये सिंपली कुछ ऊपर इस तरह उठा लेना है। और मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा बैरिंग लगी हुई है इसके अंदर है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये हमको यहाँ पे ऑयल डालते नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको ढीला कर लेंगे तो होगा क्या कि ये खुल जाएगा थोड़ा। तो चलिए मैं इसको ढीला कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये हम लोग कुछ इस तरीके से इसको ढीला करेंगे तो ये कुछ ऐसे इसका पेच निकल आएगा बाहर, ये देखिए। और ये हो जाएगा आपका, ये इस तरह निकल आएगा। तो इससे होगा क्या कि आपको ऑयलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ध्यान रहे तार ना निकलने पर। तो हम लोग सिंपली इसको ऊपर कुछ इस तरीके से उठा लेंगे और ये जो ऑयल दिख रहा है, मैं बता दूं कि ये जो आपको गोल गोल अंदर दिखेगा ये इसकी बैरिंग होती है। ये ख़राब हो जाती है तो पंखा आवाज़ करता है। तो ध्यान रहे इसको आराम से करना है, ऑयल डालना है और जितना भी कूड़ा कचड़ा हो इसको चिमटी की मदद से निकाल लेना है। यहाँ पर हम लोग ने ऑयल तो पहले ही डाल दिया, फिलहाल सही हो चुका है। और फिर अगर आपका आपके फ़ैन में कुछ इस तरीके से है तो आपको पीछे भी देखना है, यहाँ भी ऑयलिंग करनी है, खोल लेना है आपको। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे भी आपको बैरिंग दिख जाएगी कुछ इस तरीके से। तो इसमें भी ऑयलिंग करनी है, अच्छे साफ़ करना है। फिर बाद में इसको सिंपली बांध देना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ऑयल तो पहले ही डाल लिया, सही हो गया है। और फिर ये पेच एक एक टाइट कर देते हैं, बहुत ही टाइट चलेगा अगर जाम हो जाएगा तो। हमारा एकदम फ्री हो चुका है, आराम से चल रहा है ये। तो इसको मैं जल्दी से टाइट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। इसको टाइट हो जाने के बाद पंखे को अच्छे से साफ़ कर लेना है, ऑयलिंग हर जगह कर देनी। ये पंखा की एक तरह सर्विस है। तो आपको जब आप जब पीछे पलटेंगे यहाँ पे क्या लगा था, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये लगा हुआ था तो इसको भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसको लगा लिया है जो कि लगा हुआ था। इसको भी आपको अच्छे से टाइट करना है, नहीं तो पंखा चलते वक्त ये गिर सकता है। हर फैन में अलग अलग होता है। तो हमारे पास ये जो फ़ैन है उषा कंपनी का है और इसमें चार पंखुड़ी लगी हुई है। तो चलिए इसको मैं टाइट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए ये हमारा एकदम अच्छे से लग चुका है, टाइट हो चुका है। तो ये देखिए ये हो चुका। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं। कैसे सेट करना है इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरीके से लगाएंगे और अपने आप फ़ैन में जब देखेंगे तो ये जो आपको पेच दिख रहा है, जैसे मेरे में यहाँ पे है, तो इस पेच पे हम लोग इसको इस हिसाब से फिट करेंगे तो यहाँ पे ये जो है ये नट लग जाए। और इसको आपको अच्छे से लगाना है, ध्यान रहे, नहीं तो ये ढीला रहेगा तो पंखा चलेगा जब तो दिक्कत कर सकता है। तो इसको हम लोग अच्छे से टाइट कर लेते हैं कुछ ऐसे। चलिए मैं इसको टाइट कर देता हूँ। तो ये देखिए ये हमारी पंखुड़ी है जो कि चार पंखुड़ी इसमें लगती है। तो आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा यहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है। तो इसी तरीके से चारों पंखुड़ी लगेगी। तो चलिए मैं आपको एक लगा दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग अपना लगा लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से लगेगी और ध्यान रहे इसको अच्छे से टाइट करिएगा, नहीं तो पंखा चलते वक्त ये खुल भी सकता है और नुकसान। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसी टेक्निकल वीडियो हमारे इस YouTube चैनल पर आती रहेगी। तुम्हारी एक पंखुड़ी लग चुकी है, अब यहाँ पे दूसरी लगेगी।
ये देखिए हमारी जो चारों पंखुड़ी थी कुछ इस तरीके से लग के तैयार हो चुकी है। और इसमें क्या करना, चलिए मैं बताता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है भाई, ये एज इट इज जुड़ा रहेगा और यहाँ पे आपको पावर सप्लाई देनी। ये जो दिख रहा है, ये जो आपको ये जो दो पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे आपको मेन पावर सप्लाई देनी है। इसको मैं जोड़ लेता हूँ, फिर पंखा चला के दिखाते हैं ये सही चल रहा है कि नहीं। और ध्यान रहे आपको कैसे पता लगाना है ये टाइट चल रहा है कि नहीं। ये जो अगर आपका टाइट घूमेगा तो आपका पंखा जाम है। किस लिए जाम है? अंदर धूल है। अंदर धूल है तो इसको आपको उठाना खोलना पड़ेगा, अंदर ऑयलिंग करनी पड़ेगी, या यहाँ से भी ऑयलिंग कर सकते हैं लेकिन हमने खोल के किया है, उससे और अच्छे से होगा। तो कुछ इस तरीके से इसमें ऑयलिंग होगी और जब ऑयलिंग हो जाए तो इसको आपको एक बार ऐसे चला के देख लेना है, यहाँ से ऐसे उठाना है पंखा डायरेक्टली, यहाँ से चला के देख लेना है। और अगर ये ढीला चलने लगे समझ जाइए कि आपका फ़ैन सही हो चुका है। पहले ये बहुत टाइट चल रहा था लेकिन अब धीरे चलने लगा है। तो चलिए मैं इसको आपको ऊपर बांध के दिखाता हूँ फिर चल रहा है कि नहीं। हमने फ़ैन लगा लिया है, कुछ इस तरीके का कनेक्शन भी हो चुका है और इसको चलाए हैं तो सही चल भी रहा है। तो कैप अच्छे से नीचे बैठा लेना है। तो ये देखिए हमने पंखा ऑन कर दिया, ये बिल्कुल सही से चलने लगा और फास्ट चल रहा है। पहले तो ये चल भी नहीं रहा था, एकदम रुका था एक जगह। तो कुछ इस तरीके से हमारा पंखा बन के तैयार हो चुका है। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई भी टेक्निकल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी टेलीग्राम आईडी मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कुछ इसी तरीके के नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई SVM टेक्निकल पॉइंट यूट्यूब चैनल। थैंक यू।